मध्य प्रदेश के रीवा में आईजी कार्यालय में फर्जी मुकदमा वापस करने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस महानिरीक्षक रीवा को सौंपा ज्ञापन। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को श्याम संतोष विश्वकर्मा की बेटी, जिसका कान का ऑपरेशन संजय गांधी अस्पताल में हुआ और कान के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। 17 तारीख की सुबह मृतिका के परिजन जब कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के घर जाकर उनको बुलाया कि हमें न्याय दिलाएं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हमारे कांग्रेस के नेता खास तौर पर पीसीसी सदस्य विनोद शर्मा और अधिवक्ता केपी सिंह 17 तारीख की सुबह संजय गांधी अस्पताल गए तो अमहिया टीआई के द्वारा एक झूठा मुकदमा लगाया गया। इस घटना की आप अपने स्तर पर जो भी जांच बन सके करा लें और फर्जी मुकदमे का तुरंत वापस लें। संजय गांधी अस्पताल के वो डॉक्टर जिनकी लापरवाही से संतोष विश्वकर्मा की बेटी की जान गई, जो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है कि लापरवाही से मौत हुई, तत्काल FIR करें जिससे कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रह सके। आप खुद रीवा के SP रहे हैं, उस समय रीवा की कानून व्यवस्था आज से तो बेहतर थी। आपसे आग्रह है कि रीवा की पुलिस की पुलिसिंग अच्छे से हो और आप खुद घटनाओं को संज्ञान में लेकर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सभी बिंदुओं का निवेदन है कि एक सप्ताह के अंदर आप निराकरण करेंगे और ऐसी ही स्थिति निर्मित हो रही रीवा की जन भावनाओं के अनुरूप जन समस्या के खिलाफ रीवा SP के कार्यालय का घेराव युवा कांग्रेस करेगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये मामला है 16 तारीख को एक आंचल विश्वकर्मा बच्ची है, जिसका संजय गांधी अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद शर्मा जी, KP दादा, ये उनके पैर पिताजी इनके घर आए, जिसमें उन्होंने इनसे मदद मांगी। ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनसे मदद मांगी गई और ये जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जिसमें इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इस तरह की का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रीवा में लचर हो चुकी है और फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इसमें डॉक्टर दोषी है, जो बच्ची के अशरफ खान डॉक्टर है, जो बिल्कुल दोषी पाया गया। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत ऑपरेशन के कारण बच्ची की डेथ हुई है, आंचल की डेथ हुई है, जिसका आप लोगों के प्रिंट मीडिया द्वारा ही ये सारी चीज़ें पेपर में भी छापी गई हैं। आप सभी और सारे वरिष्ठ अधिकारी सभी कोई इस मामले से बिल्कुल अवगत है, ये कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। जब ये मामला सही है तो आप लोगों के ऊपर FIR क्यों कर दी गई, फर्जी मुकदमा क्यों दायर कर दिया गया? ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जिले में खुलेआम शराब की पैकारी हो रही, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा, और ये सब मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पुलिस के सह पर चल रही। इसको लेकर हम लोग बिल्कुल IG साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। PM रिपोर्ट जो है तो इसका विवरण पेपर पे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण आंचल की मौत हुई है। कान की जगह ब्रेन का हुआ। FIR ये सहयोग करने गए थे भाई, उनके पास सहयोग जो हमें अभिभावक परेशान थे, आपके पास मदद मांगने आए, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ेगा। एक ऑपरेशन के दौरान एक हुई मृत्यु को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको लेकर अमैया थाने में एक अपराध कायम हुआ था, उसी को लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे कि इनके खिलाफ गलत मामला कायम हुआ। मैं सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी मृत्यु होती है तो जितना बेहतर जितना जल्दी उस मामले में PM हो जाए, एविडेंस कलेक्शन और अपराधियों को दंड दिलाने में उतनी ही मदद मिलती है। और ये सिर्फ पुलिस का कर्तव्य नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति की चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु होती हो, चाहे हत्या हो, चाहे इलाज के दौरान हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे सामान्य मौत हो, कोई भी मौत हो, हर मौत में PM का बहुत महत्व होता है और PM समय से होना चाहिए। और PM समय से कराने में थाना प्रभारी को ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने समय से PM न होने में बाधा उत्पन्न की थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जिस पर यह मामला कायम हुआ था। चूँकि मौके पर इनका कहना है, संबंधित पक्ष का किसी SP साहब मौजूद थे,
और इनकी इच्छा अनुसार CSP साहब को जांच दी गई है, तो जांच में जो तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें पोस्टमार्टम होना है या मेडिकल होना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी करना है करें, लेकिन PM और मेडिकल समय से होने देना चाहिए ताकि सही तरीके से एविडेंस पता चले और पीड़ित व्यक्ति की अधिक से अधिक मदद मिले।